जय हिंद प्रिय देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और इस साल हम उसकी 74वीं वर्षगांठ बना रहे हैं। इस दिन हमारे प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं। जैसा कि आप जानते हैं सभी कि ये फ्रीडम कोई फ्री की चीज़ नहीं है, इसमें लोगों की बहुत लोगों ने अपना बलिदान दिया है। ये एक ऐसी महंगी वस्तु है जिसकी मतलब हम अगर कहें तो कोई कीमत नहीं है, ये बड़ी एक अनमोल चीज़ है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगस्त का महीना जो कि एक बहुत वर्षा का दिन रहता है, इसमें लोगों को इधर से उधर जाना पड़ा। तकरीबन माना जाता है कि 1.5 करोड़ लोगों को एक देश से दूसरे देश, क्योंकि जैसा दूसरे देश तक जाना हुआ, जैसा कि आप जानते हैं, दो इंडिपेंडेंट राज्य इंडिया और पाकिस्तान इस दिन बनाए गए थे। तो कैसे महात्मा गांधी जी का सफ़र रहा, कैसे उनको महात्मा गांधी जी की उपाधि दी गई, किस तरीके से लोगों का बलिदान लिया गया, एक तरफ जय जयकार हो रही थी, एक तरफ हाहाकार हो रही थी, तो ये सब इसका परिणाम था। तो आइए इसका कुछ हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि 14 अगस्त 1947 को हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, जिन्हें हम पंडित नेहरू जी के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने एक संविधान सभा बुलाई, वो भी मिडनाइट में, जिसमें डिस्कशन चलता रहा इसी चीज़ के बारे में। तो और फिर जैसे ही 12 बजे तो शंख की ध्वनि के साथ हमारे देश की आज़ादी की घोषणा हुई। और आप जानते हैं कि आप लोग कैसा महसूस कर रहे होंगे और उस टाइम पे भी लोग कैसा महसूस कर रहे होंगे, हर तरफ महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय के स्वर गूंजने लगे थे। बस अत्यंत दुख की बात यह हुई कि उसी के ही तकरीबन कुछ महीनों बाद उस अहिंसा का संदेश देने वाला वो व्यक्ति हिंसा का कैसे शिकार हो जाता है, ये बस थोड़ा सा हमारे लिए देश को पीड़ा दे जाता है। आपको पता होगा सुचेता कृपलानी जी हुआ करती थी, जिन्होंने दो गीत गाए थे, एक था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, आपने ये गीत सुना भी होगा, जिसको हमारे मोहम्मद इकबाल जी ने गाया था। दूसरा गीत जन गण मन, जिसको हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। तो इसी तरीके से फिर 15 अगस्त को हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने लाल किला से झंडा लहराया था, जो कि एक उस स्थल पर 10 लाख लोगों का हुजूम उजड़ा था, जहां पर जय हिंद जय हिंद जय हिंद के घोष हुआ था, जो कि एक आप जानते होंगे कि सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था, जिन्होंने विदेश में तो एक तरीके से पहले ही अपना परचम, या कह सकते हैं देश की आज़ादी का परचम लहरा दिया था। तो इसके बारे में मैंने आपको इसमें बताया, तो आप चाहें तो ये एक्ट भी पढ़ सकते हैं। इसके जैसे कि इस एक्ट के दौरान फिर ब्रिटिश रूल का एंड हो जाता है, दो इंडिपेंडेंट डोमिनियन इंडियन एंड पाकिस्तान का बनना, आपका ब्रिटिश एक्ट का जो कि आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का रिपील हो जाना, और हर एक जो भी प्रिंसली स्टेट्स थी हमारे राज्य की, उनको इंडिया में आने का मौका देना या फिर पाकिस्तान चले जाना, या फिर उनको अगर वो चाहें तो अपना स्वतंत्र भी रह सकती हैं। तो जिसमें आपने देखा होगा कि हैदराबाद के निजाम, जूनागढ़ के नवाब और जम्मू कश्मीर, इस तरीके से प्रिंसिपल स्टेट्स शामिल हैं। तो प्रिय देशवासियों, आप लोगों से बात कर आप लोगों को ये जानकारी देकर बड़ा अच्छा लग रहा है, और पता नहीं आप कैसा महसूस कर रहे होंगे, पर मैं इस आज़ादी के बारे में सोचता हूँ तो बड़ा रोमांचित हो जाता हूँ। तो आपको फिर से मेरी ओर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद।